फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं मेडिकल साइंस अब काफ़ी एडवांस हो गई है। अब हमारे पास एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स हैं, अब हमारे पास एक से बढ़कर एक हॉस्पिटल्स हैं, अब हमारे पास एक से बढ़कर एक मेडिकल गैजेट्स हैं, अब हमारे पास एक से बढ़कर एक ह्यूमन लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजीज हैं, और हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे हम ह्यूमन की लाइफ काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। अगर मैं इसे दूसरी तरह बोलूँ तो ह्यूमन की लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन की लाइफ हम काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। बट इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये बात है आज से कुछ लाइक 100 ईयर्स पहले की। तो जबकि लोगों के लिए बुखार, पेट दर्द, छोटे मोटे घाव जैसी बीमारियाँ काफ़ी पेनफुल हो जाती थी, और सही इलाज न मिलने के कारण इससे कईयों की कई बार जान भी चली जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारी मेडिकल साइंस और भी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। और दोस्तों, अमेरिका में रिसर्चर्स द्वारा करी गई रिसर्च में हमें पता चला कि 2011 में 3.1 मिलियन लोग 100 ईयर्स तक जी पाए थे, और आने वाले 2050 में 3.8 मिलियन लोग 100 ईयर्स से लेकर 120 ईयर्स तक जी पाएंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं सीधा पॉइंट की बात पर, हम 100 साल तक कैसे जी सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ स्पष्ट कदम हैं। जैसे नंबर वन, कुकिंग। जो लोग 65 ईयर्स के होने के बाद भी कुकिंग करते हैं वो लोग 18% ज़्यादा जीते हैं आम लोगों के मुकाबले। एंड नंबर सेकेंड इज़ वेजिटेरियन। दोस्तों, अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि सब्जियों में हमें काफ़ी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी लाइफ में 4 ईयर्स एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो दोस्तों, आप मांस खाने से बचना शुरू कर दें, और ख़ास तौर पर बेकन और ठंडे मांस के टुकड़े। और अगर दोस्तों आप मेरी बात ना मानकर ये सब खाते रहते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी मृत्यु हार्ट डिजीज या कैंसर से होगी। अमेरिका के एक संगठन ने पाया कि जापान की महिलाओं की उम्र 87 और पुरुषों की उम्र 80 थी आम तौर पर, जबकि अमेरिका की महिलाओं की उम्र 82 और पुरुषों की उम्र थी 77 आम तौर पर। रिसर्चर्स ने इस बात पर गहराई से छानबीन करी तो पता चला कि जापान के लोग दिन भर में कई कप ग्रीन टी के पीते थे और फिश खाते थे। दोस्तों, ग्रीन टी के डेली 5 कप पीने से बहुत कम चांस हो जाते हैं कि हमारी मृत्यु किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज से होगी, और फिश में ओमेगा 3S होता है जो हमारे जीवन में एक्स्ट्रा 2.2 ईयर्स जोड़ता है। एंड नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमको वीक में 150 मिनट एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। यह आदत हमारी लाइफ में 4 ईयर्स एक्स्ट्रा जोड़ती है। वैसे आप एक्सरसाइज स्विमिंग या शॉपिंग करके भी कर सकते हैं। रशिया में करी गई रिसर्च में पाया गया कि लड़कियों के पिता 74 वीक्स ज़्यादा जीते हैं लड़कों के पिता की तुलना में, और जो औरतें ट्विंस बच्चों को जन्म देती हैं उनके भी ज़्यादा जीने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, जर्मन में रिसर्चर्स द्वारा करी गई रिसर्च में हमें पता चला कि मस्त मौला रहने वाले लोगों की उम्र 2.2 ईयर्स एक्स्ट्रा होती है उन लोगों की तुलना में जो लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्लीपिंग। जापान के एक डॉक्टर चीगी आकी हिनोहारा जी, जो कि एक जाने माने फिजिशियन है, इनके अनुसार हमें रात में सही नींद लेना बेहद ज़रूरी है, और जो लोग रात में 6 आवर्स या उससे कम सोते हैं और वह ऐसा 14 ईयर्स तक लगातार करते हैं तो यह आदत उनकी लाइफ के 4 ईयर्स कम कर देती है। तो दोस्तों, आप लोग रात रात भर मोबाइल चलाना बंद करें। और एक स्टडी में पता चला कि जो लोग महीने में एक बार सेक्स करते हैं उनकी मृत्यु हार्ट डिजीज से होने के ज़्यादा जोखिम है उनकी तुलना में जो लोग मंथ में 2 से 3 बार सेक्स करते हैं। और दोस्तों, कुछ बड़े डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि जो लोग पालतू जानवर पालते हैं जैसे डॉग, कैट एक्सेट्रा, वो भी ज़्यादा जीते हैं आम लोगों के मुकाबले। दोस्तों, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी, और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ अलग लगाओ, कुछ डिफरेंट लगाओ, कुछ यूनिक लगाओ, कुछ अच्छा लगाओ, कुछ या बुरा लगाओ, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। और दोस्तों हाँ, मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ बहुत ही कमाल की होने वाली हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।